हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर टेक्नो योगी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो सब लोग आपको एक ही बात बोलते हैं कि मैकबुक में आप कुछ भी चीज़ नहीं चला सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी ऐप या गेम को अपने मैकबुक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर अपने मैकबुक में डाउनलोड करना होगा। आपको सिंपली अपना ब्राउज़र खोलना है और उसमें सर्च करना है ब्लू स्टैक्स। जब दोस्तों आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक आएगा, आपको सिंपली उसको ओपन करना है। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक ओएस का। आपको मैक ओएस वाले ऑप्शन पर जाकर ब्लू स्टैक को डाउनलोड करना है और सिंपल स्टेप्स को यूज़ करने की तरह उसको आपको अपने मैक में इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों, आपका जो ब्लू स्टैक है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक विंडो लाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले स्टोर का। आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है। अगर उसमें वो लॉगिन मांगता है तो आप अपने जीमेल अकाउंट से प्ले स्टोर पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको सर्च बार में जाना है। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जब मैं पबजी को टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास जो पहला गेम आ रहा है वो पबजी मोबाइल आ रहा है। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, आपको सिंपली उसको ओपन करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसकी फाइल जो है वो अपना आप इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, एक दूसरा तरीका भी है जिसके थ्रू आप उन गेम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। जी हाँ, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आपको गूगल प्ले स्टोर प्रोवाइड नहीं कराता है, और आपको अगर वो खेलना है तो आपको सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें सर्च करना है APK प्योर। दोस्तों, जब आप APK प्योर उसमें सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला लिंक आएगा APKpure.com के नाम से। आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है, और जब आप उसको ओपन करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। जब आप इस विंडो में ढंग से देखेंगे तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का। आपको सिंपली उसमें सर्च करना है कोई भी गेम जो आप खेलना चाहते हैं दोस्तों अपने मैकबुक में। जब आप उस गेम को वहां पर सर्च कर लेंगे तो उसके बाद जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो उसकी फ़ाइल दोस्तों डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप उस फाइल को ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा फाइल उसमें डाउनलोड होनी होगी तो वो गेम ओपन होने के बाद या ऐप ओपन होने के बाद अपने आप डाउनलोड या फिर इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें जब पबजी सर्च किया तो ये मुझे 3-4 तरीके के पबजी के गेम्स इसमें शो करेगा, जैसे पबजी या फिर पबजी लाइट। तो दोस्तों, सिंपली आप जब उसमें इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो इसकी शायद 150 से 200 MB की फाइल डाउनलोड करेगा, जो कि मेन फाइल होती है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि इंस्टॉलेबल फाइल होती है। इसके बाद जो आपकी रिसोर्स फाइल होती है वो तब डाउनलोड होगी जब आप अपना गेम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये दूसरा तरीका था जिससे आप उन गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है, वरना आपको मैक्सिमम गेम्स आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको एक गेम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें लिख रहा हूँ स्नाइपर। अब दोस्तों, मैं उस गेम को डाउनलोड करूँगा जिसका डेटा थोड़ा कम होगा, थोड़ा जल्दी दिखाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मैं स्नाइपर 3D गन जो गेम है उसको आपके सामने डाउनलोड कर रहा हूँ, स्नाइपर फ्यूरी टॉप शूटिंग गेम। अब मैंने जब इसके इंस्टॉल पर क्लिक किया दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा टाइम इसके प्रोसेस में लगेगा जो कि ये लोड होगा, और उसके बाद आपकी जो गेम की फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका नेट कैसा चल रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, और आपकी जो मैकबुक की प्रोसेसिंग है उस पर भी। तो दोस्तों, अगर आपकी नेट की स्पीड भी अच्छी है और आपका जो मैकबुक है वो भी अच्छी स्पीड दे रहा है तो जो आपका गेम है वो जल्दी डाउनलोड हो सकता है। डाउनलोड कैसे हो रहा है या डाउनलोड कितना हो चुका है, उसके लिए आप जैसे एंड्रॉयड में स्क्रॉल करते हैं नीचे, इसमें भी आप उसी तरीके से अपने माउस के कर्सर से ऊपर जाकर जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आपकी जो डाउनलोड होने वाली फाइल है या जो हो रही है जो या फिर जो हो चुकी है ये उसको भी शो करने लगेगा। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं जो फाइल है मेरी इंस्टॉल हो चुकी है, उसका आइकन इस पर आ गया था मेन स्क्रीन पे। अब मैं जब उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो दोस्तों, जो मेरा गेम था स्नाइपर फ्यूरी के नेम से वो अब ओपन हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने मैकबुक में ब्लू स्टैक को यूज़ करके किसी भी गेम को खेल सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप मैकबुक पर किसी भी गेम को इजीली प्ले कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में अपनी बताऊंगा कि कैसे आप अपने मैकबुक में लाइव
किसी भी चैनल को देख सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो अपने टीवी को अगर आप देखना चाहें तो कैसे आप अपनी मैकबुक में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।